आप तेलुगु तमिल फिल्मों को देख लीजिए आप बताइए कितनी बार विजय ने शर्ट और बनियान उतारा है कितनी बार महेश बाबू ने उतारा है एक बार भी ये हम लोग अपना कंपल्शन रखते हैं बिकॉज हम लोग जो हॉलीवुड से ज्यादा इंस्पायर है बोला की इसके बाद तो मैं नहीं काम कर पाऊंगा ना तुम्हारे साथ दोबारा उन्होंने कहा कि मैं तो अब तुम्हारे तरह की फिल्में ही नहीं बनाता तुम्हारे जैसे लोगों की कहाँ से बेटा तुझे मैं वादा कर दूँ और उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक वीर जारा रहेगी तब तक तेरी तारीफ होती रहेगी तो एक वक्त वो भी था जब आपने अनुराग कश्यप से करीब 10-11 साल तक बातचीत नहीं की थी अब वो इतना आ चुका है आपके सोशल मीडिया पे तो हम दोनों जो है अपने अपनी जिंदगी में मस्त हो गए थे ना उसको मेरी जरूरत थी ना मेरी मुझे उसकी जरूरत थी शूटिंग के दौरान बताया मुझे अपूर्व सिंह कार्की ने कि ये आपकी सौवीं सौवा काम है आप, आपको पता है मैंने कहा मुझे नहीं पता मैंने कभी गिना ही नहीं बहुत अपने ऊपर काम करता था बहुत मस्त रहता था सिर्फ एक ही समय में टेंशन होती थी जब अकाउंट में पैसा कम होना शुरू होता था गाली देना ऑन स्क्रीन आपके लिए कितना आसान है मुश्किल है गजराज राव जो है मुझे बदनाम करके मैं नहीं मुझे जो है ना मुझे जुर्माना लग जाएगा मेरे ऊपर हजरात 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 मेरे साथ मौजूद हैं इंडियन सिनेमा के गुलमोहर कमाल है इनके तेवर अपनी एक्टिंग से बदल देते हैं फिजा और इतना काफ़ी होगा कि अपने टैलेंट से कह कर लेते हैं जी हाँ इनके बारे में ये सिर्फ कहना काफ़ी होगा कि सिर्फ ये एक बंदा काफ़ी है स्वागत है भैया जी मनोज वाजपेयी का थैंक यू थैंक यू थैंक यू शुरुआत यही जानना चाहूँगा कि भैया जी आपकी सौवीं फिल्म है तो ये खूबसूरत इत्फाक है या ये प्लान था कि इसको सौवीं फिल्म बनाएंगे क्योंकि इसका कलेवर और फ्लेवर दोनों ही आपकी फिल्मों से अलग है नहीं कोई प्लान नहीं था ये तो शूटिंग के दौरान बताया मुझे अपूर्व सिंह कार्की ने कि हाँ। ये, ये आपकी सौवी सौवा काम है आप, आपको पता है मैंने कहा मुझे नहीं पता मैंने कभी गिना ही नहीं मैं तो सोशल मीडिया वाला आदमी नहीं हूँ हाँ। विकीपीडिया वगैरह में जाता नहीं हूँ ज्यादा से ज्यादा ट्विटर पे जाकर के एक्स कहते हैं उसे देखियो अभी ट्विटर तो उसको ही देख कभी देख लेता हूँ तो देख लेता हूँ बाकी ईशान जो मेरा पी आर वगैरह देखता है वो इंस्टाग्राम देख लेता है तो इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे हूँ नहीं तो बहुत सारे ऐप जो है उनको डिग भी नहीं करता हूँ आता हाँ। भी नहीं है आपका जो कैरेक्टर है उसका भोकाल देखने को मिल रहा है, है ना हाँ। कि एक समय पर माफिया रहा है वर्चस्व रहा है फिर चीज़ें थोड़ी सी बदली लेकिन अब वापसी हुई है right. एक वजह है जिसकी ट्रेलर right. में और हमने बाकी चीज़ों में देखी है हकीकत में आपने ऐसा कोई भौकाल देखा है किसी का बहुत सारे देखे हैं मैंने आ, मैं बिहार में गांव में पैदाइश है जाहिर सी बात है कि आप सब चीज़ों को देखते हुए बड़े हुए हैं हम लोग चाहे वो बिहार के किसी भी इलाके में हो या फिर वेस्टर्न यूपी में मैं दिल्ली में पढ़ते हुए बहुत बहुत सारे लोगों को इस तरह से देखा है कभी आपको धमकी वगैरह मिली है? हकीकत में नहीं को? नहीं मुझे नहीं अच्छा। मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं हाँ। <laughs> मुझे वहाँ से खाना मिलता है धमकी नहीं मिलती है <laughs> अच्छा इसके ट्रेलर वगैरह जब आउट हुआ तो मैंने कुछ कॉमेंट्स देखे काफी अच्छा रिएक्शन मिल रहा है पहले तो उस चीज के लिए बहुत शुभकामना मैंने एक जगह देखा कुछ दो चार कमेंट्स में लिखा था कि यूपी बिहार का के जी एफ हाँ हाँ इसको कैसे देखते हो पता नहीं बेसिकली उसका मतलब यह है कि यूपी ये बड़ी मिट्टी वाली कहानी है बिल्कुल और कल्चरली रूटेड है बहुत ही स्ट्रांगली रूटेड है एंड वी एक्चुअली वी डिन कॉम्प्रोमाइज ऑन दोज एलिमेंट्स तो वो दिख रहा है लोगों को तो इसलिए लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं विच इज़ गुड इट्स अ कॉम्प्लीमेंट हमारे लिए uh, कि अगर ये यूपी बिहार एमपी की के जी एफ लगे या फिर कंतारा लगे हम उससे माइंड नहीं करते हैं क्योंकि हम इस हम हिंदी फिल्म में हम उस तरह की इतनी कल्चरली रूटेड फिल्में हम बनाते नहीं हैं हम हर चीज़ तड़क भड़क में रखते हैं तो इस तो अच्छी बात है हमें बहुत गर्व है हम बहुत वी कैन प्राउडली से दैट वी आर वी हैव मेड अ मेन स्ट्रीम एक्शन फिल्म विच इज नॉट ओनली कल्चरल रूटेड बट ये हमारे बीच की कहानी है हमारे लोगों की कहानी है हिंदी फिल्म अगर हिंदी बेल्ट की बात ना करे तो फिर क्या बात है बिल्कुल भैया जी की मैं अगर बोलूँ शुरुआत कहाँ से हुई जितना मेरे दिमाग तो में पता एक... लगा कि हाँ... आपसे ही इसका हाँ पुरा... मेरे हाँ... दिमाग में एक स्टोरी आइडिया था जी। जो मैंने इससे शेयर किया था अपूर्व से हाँ। और उसने कहा कि आ, मैं बनाऊंगा आप मुझे दे दीजिए क्योंकि वो तेलुगु और तमिल कमर्शियल फिल्मों का बहुत बड़ा दीवाना रहा है तो उसकी बड़ी इच्छा थी कि मैं मेन स्ट्रीम फिल्म बनाऊंगा तेलुगू तमिल की तरह से वही सारे ट्रोप्स यूज़ करूंगा इसीलिए देसी सुपरस्टार भी लिखा जो कि पहले तो मैंने निकलवा दिया था फिर उसने भी जब बिना बताए हुए डाल दिया इन्होंने अच्छा हाँ तो <laughs> जो कि फाइनल जब उसका ट्रेलर का था वो वो निकाल दिया पोस्टर पर भी इसी तरह से किया था इन्होंने तो सारे ट्रोप्स हैं जो यूज़ किए गए हैं ना वो इस तरह की फिल्म फिर बनाएगा ना मैं इस तरह की फिल्म जल्दी करूंगा जब तक अनलेस एंडिल इट्स रियली कन्विंसिंग ये स्टोरी आइडिया मेरा था बाकी अपूर्व सिंह कार्की बहुत ही कन्विंस था स्टोरी से और इस तरह की फिल्म बनाना चाहता था क्योंकि उसका बचपन का सपना था ये तेलुगु तमिल मेन स्ट्रीम की तरह अपनी फिल्म बनाना तो ये इसका शूट वगैरह पहले ही हो रहा था मतलब सिर्फ़ एक बंदा काफी है जब आई थी उस बात हुई थी उस तो। में उस समय बातचीत हुई थी हम लोगों की लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था कि उसकी अगली फिल्म यही होगी मैंने भी उसको हामी दे दी थी तो उसके बाद लिखना शुरू हो गया था आ, उसके बाद डेट्स मैंने मैंने उनको दिया था और मेरे पास डेट्स एक कैंसिल हुआ था वो चार महीने के बाद का तो मैंने उनको कहा कि भाई यही इसमें कर सकते हो तो तैयारी बहुत बहुत तेज़ी तैयारी में की इन लोगों ने तो किसी तरह से हमने जाके अचीव किया आप सौ फिल्म बड़े हो चुके हो है ना अगर प्रोफेशनली उसकी बात की जाए इन सौ फिल्मों में बतौर एक्टर सबसे बड़ी सीख क्या मानते हो आप अविनाश मेरे को ये एक सीख मिली है जो शायद हमेशा काम आएगी तो सबसे बड़ी सीख तो यही होती है यार कि नेबर टेक सीरियसली एंड यू आर नॉट बिगर योर फिल्म नॉट बिगर द स्टोरी दैट यू आर पार्ट ऑफ सबसे बड़ी सीख यही है सौ फिल्मों के बाद भी बजट का डेट्स का टाइम का इन सब चीज़ों का असर पड़ता है इन सब इन सब चीज़ों के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है आपको देखना पड़ता है कि आपके नाम पे कितना पैसा मिल रहा है और जो जो लोग पैसा लगा रहे हैं सबसे पहले आपको उनको सेव करना है है ना और फिर उस खास बजट में आपको राइट एक्टर्स को लेके आना राइट टेक्नीशियंस को लेके आना ये बहुत बहुत बड़ा जद्दोजहद वाला काम है और जब आप एक्टर हैं तो सिर्फ एक्टिंग करते हैं मुझे पसंद है वो उसी तरह से काम करना लेकिन जब आप प्रोड्यूसर भी हैं उसमें तो बहुत सारे हर डिपार्टमेंट आपके पास लास्ट कॉल के लिए आता है या प्रॉब्लम में फंस जाता है तो आपके पास आता है बतौर प्रोड्यूसर आगे बढ़ने का कुछ इरादा या ऐसी प्रॉब्लम्स देख जो देख हम लोग, लोग, लोग नहीं आपने नहीं, नहीं मैं एम्बिश नहीं है हम लोग प्रोड्यूसर के तौर पर हम लोग वी वॉन्ट टू हैव फन वी डोंट टू टेक द स्ट्रेस ऑफ ऑफ देश अ प्रोड्यूसर नहीं नहीं हमारा कोई ऐसा डॉक्टर ने नहीं कहा कि इतनी फिल्में आपको करनी है साल में हम लोग हम लोग एक बड़ी हम मैं शुभाना माई वाइफ एंड विक्रम विक्रम आर पार्टनर वी आर वेरी वेरी श्योर दैट हेल्थ इज आर प्रायरिटी यू नो नॉट द प्रोडक्शन सो वी स्टार्ट फ्रॉम देयर तो जिसमें मज़ा आएगा उस वही काम करेंगे हम अच्छा जब फिल्में काम लगातार करते रहते हैं है ना प्रोफेशनली बहुत एक्टिव हो जाते हैं तो पर्सनली खुद को कितना टाइम दे पाते हैं मैं आपके मटन की मैंने बड़ी तारीफ सुनी है तो वो बनाने का वक्त मिल पाता है या घर के जो छोटे मैं बना लेता हूँ देखिए मैं छोटी छोटी चीज़ें कर लेता हूँ हाँ। चाहे अपने बेटी के साथ हो अपनी फैमिली के साथ हो छोटी छोटी चीज़ों को मैं कर ही लेता हूँ मुझे मजा आ जाता है उन एक आइड फिल्म की शूटिंग कर रहा था मैंने लंच टाइम पे लास्ट डे के लंच टाइम पे मैंने उनसे कहा कि भाई मसालों का इंतजाम करो मटन का इंतजाम करो मैंने ऐड की शूटिंग करते हुए मटन बना दिया पे? सेट पे ही बना दिया तो यू यू हैव इफ यू यू आर विल ऑलवेज फाइंड टाइम फॉर इट एक कुछ समय पहले आपने फोटो डाली थी सोशल मीडिया पे जो काफी वायरल हुई थी थी सिक्स पैक वाली है ना हालांकि एडिटेड थोड़ी बहुत थी कभी हकीकत में वैसा सोचा कि कोई उस तरह की एक्शन फिल्म बनाऊं जिसमें वो फिजिक चाहिए हो या फिर आपको लगता है एक्शन फिल्मों की डिमांड या नेसेसिटी नहीं है वो फिजीक बिल्कुल नहीं है आप तेलुगु तमिल फिल्मों को देख लीजिए आपके सामने है आप बताइए कितनी बार विजय ने शर्ट और बनियान उतारा है कितनी बार महेश बाबू ने उतारा है एक बार भी नहीं तो so, ये हम ये हम लोग अपना कंपल्शन रखते हैं बिकॉज हम लोग हम लोग जो हैं हॉलीवुड से ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं तो जब भी ऐसे ये आता है ना कि इस एक्टर ने इस फिल्म के लिए ऐसा बॉडी बनाया तो आपको लगता है कि ये शोशा है सर हम क्रूज़ नहीं करता है सर इस एक टीनू वर्मा है एक्शन डायरेक्टर उन्होंने मुझसे कहा था कि एक्शन हाथ पाँव से नहीं होता है एक्शन यहाँ होता है यू नो इफ़ यू आर गेटिंग द राइट एक्सप्रेशन यू एफ यू फीलिंग देंगर इफ़ एव फीलिंग द इमोशन log लोग कन्विंस हो जाते लोगों का को कन्विंस करना हमारा काम है थ्रू आर परफॉर्मेंस थ्रू आर एक्सप्रेशन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना चाहूँगा आपके साथ ध्रोहकाल हो गई बैंडिड क्वीन हो गई ये शुरुआती आपके करियर की फिल्में थी इसमें कुछ ही देर के लिए दिखे थे आप उन फिल्मों की फीस कितनी थी कितने पैसे मिले थे आपको लगा था कि फिलहाल बस मेरे को काम चाहिए तो मैं दिखना चाहता देखिए पहली फिल्म तो थिएटर करते हुए ही मिल गई थी आ, वो थी बैंडेड क्वीन तो उसमें मुझे पैंतीस या पचास हज़ार ऐसे कुछ मिले थे और फिर द्रो काल में जब यहाँ आया था तब मैं गया था गोविंद जी के पास तो उन्होंने कहा सारे रोल तो चले गए हैं एक छोटा सा ये रोल है लेकिन पता नहीं तुम करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे मैंने साथ दे दो मुझे तो उसके लिए दो हज़ार रुपये मिले थे

लिए गया था उनके पास एक परेश रावल जी के गैंग मेंबर का रोल था ठीक ठाक रोल था वो तो उसके लिए कनन अयर मुझे लेके गए थे और जब उनको पता चला कि मैंने ही मानसिंह किया था तो वो विश्वास ही नहीं कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत यंग हो मैंने कहा सर मैं ही था दाढ़ी बढ़ाए हुए थे वो सारा मेकअप था तो मान के राजी नहीं थे फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं तो कई साल से तुम्हारा बारे में तलाश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा प्रेजेंस बहुत अच्छा लगा उस hmm. फिल्म में तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी साइलेंट रोल था एंड आई ऑलवेज थाट दैट आई विल मेक माई नेक्स्ट फिल्म ऑन मुंबई माफिया विद यू बताओ मतलब uh, मैं इतने साल से ट्राई कर रहा था तुम तो मिले नहीं उस उस दौरान में किसी को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल काम था uh, क्योंकि एक यंग एक्टर के बारे में आप पता करने की कोशिश कर रहे होगा वो और उस समय मैं टेलीफोन भी इतना स्ट्रांग नहीं था मोबाइल वगैरह की तो भूल ही जाएगी मेरे खास से मोबाइल अभी अभी आ रहा था इधर और तो या भी, भी वो, वो मुझे सत्या के बारे में सोचा ही था उन्होंने बैनिट क्वीन में, में मेरा काम देख के सत्या के लिए सोचा था कि वो एक कल्ट फिल्म बन जाएगी इंडियन सिनेमा का जब उस वक्त कर रहे थे कोई नहीं सोचता है कोई नहीं सो, हमें अभी नहीं पता भैया जी के साथ क्या होगा हम इतना पता है कि हमने बड़ी शिद्दत और ईमानदारी से बनाई है लिटरली खून पसीना बहाया है इस फिल्म को बनाते हुए शायद तकलीफ से गुजरे हैं वी आर होपिंग एंड प्रेइंग दैट एवरी थिंग विल फॉल राइट वैसे ही सत्या के साथ भी था हमें नहीं पता था हम सारे नए लोग थे सिर्फ uh, एक उर्मिला जो थी एक नामी ग्रामी स्टार थी या राम गोपाल वर्मा अपने आप में ही बहुत बड़ा नाम थे uh, बट जो हुआ वो आपके सामने कल्ट <laughs> आपकी uh, फिल्मोग्राफी की अगर बात करें तो वीर जारा के बिना अधूरी है क्योंकि कमर्शियल बड़ी और सक्सेसफुल फिल्म वो मोमेंट कितना गुस्से वाला था या दुखद था या दर्द वाला था जब यश जी ने बोला कि इसके बाद तो मैं नहीं काम कर पाऊंगा ना तुम्हारे साथ दोबारा नहीं वादा नहीं किया उन्होंने उन्होंने हाँ। कहा कि मैं इस तरह तो अब तुम्हारे तरह की फिल्में ही नहीं बनाता तुम्हारे जैसे हाँ। लोगों की मैं कहाँ से बेटा तुझे मैं वादा कर दूँ और जो कि मुझे लगा बहुत ही अच्छी बात लगी उनकी तो मुझे फॉल्स होप नहीं देना चाहते थे वो एट द सेम टाइम बहुत रिस्पेक्ट करते थे एज एन एक्टर मेरे काम को बहुत पसंद किया था उन्होंने जो मैं मेर, जो मेरा काम था और उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक वीर ज़ारा रहेगी तब तक तेरी तारीफ होती रहेगी वो इज़ ट्रू मैं कहीं भी जाता हूँ तो वीर ज़ारा की बातें लोग करते हैं अब ये आप ही बात कर रहे हो बिल्कुल है ना अच्छा उसमें जो आपका सीन है फिल्म में आपका और शाहरुख खान का प्रीति जेंटा का वो अटारी पर जो शूट हुआ है उसके बारे में पढ़ रहा था तो एक जगह बता रहे हो कि शूट सीन के शूट होने से पहले आप लोग बैठे हो सिगरेट वगैरह पी रहे हो और प्रीति जी वो जो, हमेशा जो मस्करे वाले अंदाज में रहती हैं उसमें थी और फिर सीन हुआ शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग भी वहाँ पे मौजूद थी शाहरुख खान का को कोई ऐसा फैन क्रेजी फैन मूवमेंट या फैन फॉलोइंग वगैरह आपने देखी उस वक्त देखा है तो आप जब उन फिल्म में होते हैं जिसमें स्टार्स होते हैं तो उनके फॉलोअर्स जो है चीखते वखते रहते हैं वो तो आप देखते ही हैं बट आप बट यू डू यू आप अपनी जिंदगी में रहते हैं तो अगर किसी के लिए हो रहा होता है जैसे मैं आप निकले आप, आप, आप हमारे प्रशंसक को देखेंगे फैंस को देखेंगे तो आप, आप अपने काम पे चले जाओगे बिल्कुल तो ऐसे ही हम लोग भी करते थे और, और क्या मतलब ये आपका फैन पिटा पिटी जी पिटी जिंदा और शाहरुख की फैन फॉलोइंग जो थी वो अमृतसर वगैरह में बहुत हम जब होटल पहुंचते थे, थे तो चीखते चिल्लाते थे सब सब तरफ लोग ही लोग होते थे आ, तो वो तो रोज मतलब जब तक मैं था दो दिन के लिए था मैं वहाँ पे तो ज़्यादा समय के लग के, के लिए तो था नहीं ना मैं फिल्म में मेरा तो काम ही था तीन दिन का छोटा हाँ। जी जी आपको अपना कोई फैन मोमेंट याद है जो छप गया हो क्योंकि आ, मुझे मिलते रहते हैं मुझे प्यार मिलता है मेरे लिए क्रेजी फैन फॉलोइंग नहीं मतलब लेकिन लोग मेरी जिंदगी से मेरे काम से इतने अफेक्टेड हैं मुझे पता नहीं था mm. और कभी पता चलता नहीं जब तक सामने सामने न जाए आप बहुत सारे लोगों ने अपना घर छोड़ा आ, मुझे देख करके मेरी कहानी को सुन के मेरे काम को देख करके कितने लोग इंस्पायर्ड हुए आप मैं कभी नहीं जान पाया कि मैं तो अपना काम करता हूँ लेकिन देर इज़ समवन हु इज़ गेटिंग अफेक्टेड बाई इट इंस्पायर्ड बाई इट तो आई आई ओनली थैंक गॉड

फेलियर के ऊपर आपका टेक क्या है और कैसे उन लोगों को आप अगर बोलेंगे जो आप इंस्पायर हो रहे हैं लेकिन शायद सक्सेस नहीं मिल पा रही उनके लिए कोई समझाइश या मैसेज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ वही काम करो जो जिससे आप जी जान से चाहते हो जिसको अगर आप नहीं करोगे तो आप मर जाओगे चाहे वो एक्टिंग हो चाहे डायरेक्शन हो चाहे कॉरपोरेट का जॉब हो चाहे वो आप आई हो आई हो गवर्नमेंट जॉब करते हो फ़र्क उससे नहीं पड़ता लेकिन वही काम करो जो जिस काम को आप बहुत प्यार करते हो तो उसमें सफलता और असफलता फिर मायने नहीं रखती है फिर। सिर्फ वो काम करने में ही आपको मज़ा आता रहता है।, है ना तो मैंने इसी तरह से ज़िंदगी को जिया है मुझे काम मैंने सिर्फ काम के बारे में सोचा है पता नहीं सफलता किसे कहते हैं पता नहीं किसे कहते हैं और असफलता कैसे क्या आप कहते हैं कि मैं सीज़न वन के पहले असफलता मैं नहीं मानता मेरी दो फिल्में ऑलरेडी सत्य सत्य में भी जाते बागी टू का पार्ट था मैं दोनों ब्लॉक थी और मेरे पास में काम बहुत थे लेकिन हाँ चीज़ें अभी ओ के पीक होने के बाद चॉइसेस और बढ़ गई हैं बहुत सारे नए डायरेक्टर्स बहुत सारे नई तरीके की फिल्में बन रही हैं सीरीज़ अचानक ऐड हो गए हमारी जिंदगी में तो आ, और क्या मैं अस, जब आपके हिसाब से जो मेरा डाउन टाइम था उसको अगर असफल कहते हैं तो वो भी नहीं मानता क्योंकि मैंने बहुत समय अपने दोस्तों के साथ बिताए बहुत ही वर्कशॉप भी किया बहुत अपने ऊपर काम करता था बहुत मस्त रहता था सिर्फ एक ही समय में टेंशन होती थी जब अकाउंट में पैसा कम होना शुरू होता था <laughs> तो फिर जाके कोई फिल्म कर लेता था कोई थोड़ी सी अबब एवरेज टाइप की फिल्म कर ली mm. तो फिर कुछ पैसा मिल गया तो इट्स ऑलवेज अबाउट सक्सेस एंड फेलियर इज़ हियर But if you are, if you you are are enjoying what you are doing, using time well, then I think every day is successful. Beautiful. बात करी थी। उनके साथ भी ऐसी वो वाक्य बताया जब वो नेटुआ वाला जो था क्या बताया उसने, उसने? <laughs> लौंडा नाच वाला जो पूरा था जी. कि आप कैसे तीन महीने तक रिहर्सल करते थे आठ आठ घंटे वो लोना और उसके कथक केंद्र के बीच में एक थिएटर एक्ट के लिए इतनी तैयारी करना और अब बतौर एक्टर दर्शकों के सामने आना अब उतनी टाइम मिल पाता है कि आप एक रोल को इतना ज़्यादा टाइम दे सको नहीं आप अगर इस तरह का कोई रोल है हुँ. जो इतनी तैयारी मांगता है तो आपको देना पड़ेगा अलीगढ़ उतना टाइम मांगता था तो उसको दिया सत्या टाइम मांगता था उसको दिया ऐसे ही वासीपुर टाइम मांगता था हुँ. उसको दिया गया जब जब कोई फिल्म इस या फिर गली गोलियां उसको बिना टाइम दिए हुए आप नहीं कर सकते थे तो जब जब कोई फिल्म इतनी डिमांडिंग आएगी उसको उतना ही टाइम मिलेगा और मैं दूंगा उसको किसी भी तरीके से वो तो देना ही पड़ेगा मुझे अच्छा उसी वाक्य में उन्होंने वो भी बताया कि जब श्रीराम सेंटर के ग्रीन रूम में आप लोग बैठे थे आप किरदार में एकदम थे जमे हुए थे तो उमेश करके हैं कोई जो अब नहीं रहे वो हंसते ही हुआ है और फिर कुछ बात बात हुई है सभी लोग हंसने लगे अब आप उस पूरे किरदार के जोन में थे आप दीवार के साइड मुंह करके बैठे थे और अब आप चिल्लाए आपने सबको चुप करा दिया आपने डांटा और गजराज जी ने मुझसे यही बोला क्या अविनाश वो बतौर एक्टर उस वक्त इतने जोन में था कि शायद मैं जाता तो मेरे पे भी हाथ उठा देते वो थोड़ा सा बताइए ना उस वक्त के बारे में गजराज राव जो है मुझे बदनाम करके मैंने गजराज बहुत अच्छा दोस्त है मेरा बहुत कमाल का अभिनेता है देखिए जैसा मैंने कहा अब हम लोग मैं पूरी तरीके से डूबा हुआ था वो काम में क्योंकि मैं काम हर दिन सीख रहा था मेरे अंदर आ, मेरे अंदर में मेरे दिमाग में ये कभी होता ही नहीं था कि मैं मेरे पास बहुत फ्री टाइम है मेरे पास फ्री टाइम नहीं होता था मैं आज के आज के समय से ज़्यादा बिज़ी हुआ करता था उस और एक एक कैरेक्टर पर बहुत काम करता था मैं जब तक मैं लगने ना लगूँ कि मैं वही कैरेक्टर हूँ तब तक काम चलता रहता था आ, मुझे ग्रीन रूम में शोर बिल्कुल पसंद नहीं आता था जब एक आदमी इतना कंसंट्रेट कर रहा है और ये सब हा ही वो जोक्स चल रहे हैं मजाक चल रहा है तो मेरा मेरा जोन में जब ज, जाता था मैं तो उसके बाद अगर ऐसा लगता था इस कि किसी ने सोते से अचानक उठा दिया तो कुछ ऐसी फीलिंग आई थी मुझे और उसको लेकर के जो है गजराज मजाक उड़ाता रहता है मेरा अच्छा <laughs> जब किस्सों की ही बातचीत चल रही है तो एक वक्त वो भी था जब आपने अनुराग कश्यप से करीब दस ग्यारह साल तक बातचीत नहीं की थी क्या वो वाक्य था नहीं कोई वाक्य नहीं था यार आए के लिए सब कोई बा... वो आ, कुछ एक चीज़ों पर मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई थी और बातचीत नहीं हुई अब वो इतना आ चुका है आपके सोशल मीडिया पे कभी कभी जब शर्मिंदगी होती है कि कोई बात जो है कुछ ज़्यादा बढ़ा दी जाती है जी बातचीत नहीं किया क्योंकि वो वो भी कोई मेरे टाइप की कोई फिल्म तो बना नहीं रहा था जिसमें मेरी जरूरत पड़े और उसको भी ये था कि ऐसे मनोज बाजपेयी की जरूरत अभी तो नहीं है क्योंकि उसका करियर डाउन जा रहा है तो हम दोनों जो है अपने अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गए थे ना उसको मेरी जरूरत थी ना मेरी मुझे उसकी ज़रूरत थी आपने करियर डाउन का जिक्र किया कि करियर डाउन जा रहा था तो वही एक जब दौर था जब फिल्में नहीं चल रही थी लेकिन नेशनल अवार्ड्स वगैरह भी उस वक्त कुछ फिल्मों को मिलते जा रहे थे काम करीब करीब बनसा हो गया था आप ही ने एक इंटरव्यू में बोला था कि तब आपने एक बड़े मीडिया हाउस के करस्पॉन्डेंट को सुनते हुए सुना था कि जैसे ही आपको देखा उसने बोला कि पुट द कैमरा डाउन सक्सेस के बाद लोगों को बदलते हुए देखा है या अब जिस वक्त आप लो फेज में थे या बहुत अच्छे हालात नहीं थे तब जिन्होंने आपको तवज्जो नहीं दी वक्त नहीं दिया अब आप उनके साथ कैसे हो मैं उनके साथ बिल्कुल सही हूँ और बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसा हमेशा हुआ माफ कर देते हो आप लोगों को क्योंकि देखिए नो बडी मीन्स एनी थिंग मेरी बात समझो आप जब आपका काम चलने लगता है तो वो आपके पास आते हैं क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत है और आपका काम नहीं चल रहा होता है तो आप उनकी कॉपी बेच नहीं पाते हो तो उनको आपकी ज़रूरत नहीं है बड़ी सीधी सी बात है तो इसलिए मुझे ये लोग इन लोगों ने कभी हर्ट नहीं किया हाँ लेकिन हाँ मैं ऑब्जर्व कर, करता इतना ऑब्जर्वेशन की एक्सरसाइज की हुई है बचपन से काफ़ी संजीदा किस्म कर रहा हूँ तो चीज़ें मैं देख लेता हूँ और तो वो सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो सही हैं और और भी कई घटनाएँ घटी हैं सिर्फ एक ही थोड़ी घटी लेकिन आप जानते हो कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है इंडस्ट्री है यहाँ पर इसका चलन ही ऐसा है इस चलन को हम बदल नहीं सकते आपकी जरूरत रहेगी तो फिर आपको तवज्जो दी जाएगी आपकी जरूरत नहीं रहेगी तो आपको तवज्जो नहीं दी जाएगी बड़ा सीधा सिंपल हिसाब किताब है बिल्कुल अच्छा भाई जब नहीं चल चल रही थी फिल्में नहीं मिल रही थी फिल्में तो आपने फोन करके काम मांगना भी जी बिल्कुल है ना आपने दिबाकर बनर्जी को फोन किया कामत को फोन किया नीरज पांडे जिनके साथ अब आप बहुत अच्छा कमाल काम कर चुके हो अब अगर इनमें से किसी का कॉल आता है क्योंकि अब आपके पास बहुत सारा काम है ये पिछले कुछ वक्त में ऐसा हुआ कि आपको ना चाहते भी इन लोगों को मना करना पड़ा हो किसी किसी फिल्म के लिए मैं किसी के लिए नहीं मैं अभी तो कामत इज नो मोर बट आई वॉज ऑलवेज इन टच विद हिम दिवाकर इज संबंधी कि उनकी उनका बच्चे और हम मेरी बेटी एक ही स्कूल में पढ़ते हैं तो मिलना जुलना होता है और मैं बहुत ही उनका प्र, मतलब प्रशंसक हूँ दिवाकर का नीरज के साथ में तो दोस्ती हो चुकी छः काम किया हमने साथ में और जब भी हम तो भैया मतलब हम तो मौका ढूंढ रहे हैं कि अगला काम हम साथ में करें जल्दी से जल्दी मज़ा भी आता है नीरज की कंपनी में आ, ब, ब, किसी को मना नहीं कर मतलब ये मना तो कर, कर ही नहीं सकते नॉर्मली किसी फिल्म को या डायरेक्टर को या कास्टिंग डायरेक्टर वगैरह को कैसे मना कैसे करते हैं

देख पहले तो ये असिस्िस्िस्िस्िस्टेंट डायरेक्टर्स को ही हम पोर्टफोलियो देते थे और असिस्टेंट डायरेक्टर्स ही डायरेक्टर के बाद ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे आ, और धीरे धीरे गैंग्स ऑफ वासीपुर के बाद ही ये कास्टिंग वगैरह का सिलसिला शुरू हुआ पहला कास्टिंग डायरेक्टर मेरे ख्याल से तिगवांशु धुलिया था बैंडेड क्वीन में जिसको कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर रखा गया था बी बी चैनल फोर ने उसको असाइन किया था या प्रोड्यूसर ने उसके बाद फिर कास्टिंग डायरेक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं देखी थी मैंने फिर अब मुकेश छाबड़ा जो है उसको हायर किया था अनुराग ने आ, कास्टिंग के लिए क्योंकि बहुत बड़ी कास्ट थी ही नीडेड अ कास्टिंग डायरेक्टर फॉर दैट और वहाँ से मुकेश छाबड़ा को लिटरली मैंने यहाँ से इस, से और इस समय लेजेंडरी एक्शन uh, कास्टिंग डायरेक्टर होते हुए देखा है।, है मैंने उसको आपने गैंग्स ऑफ वसेपुर का जिक्र किया गाली देना ऑन स्क्रीन आपके लिए कितना आसान है मुश्किल है मेरे लिए आसान मुश्किल नहीं मेरे लिए नैतिकता का सवाल नहीं है मैं मैं जानता हूँ कि हर uh, मोस्टली हमारे परिवारों में uh, और गलियों में समाज में लोग गाली का प्रयोग करते हैं बिल्कुल और ज़रूरी इस बात की है कि जब हम उसको कहानी में रखते हैं तो वो किरदार को सर्व कैसे कर है। रहा है uh, वो वो शौक वैल्यू नहीं होना चाहिए वो किरदार के साथ होना चाहिए uh, हर सीन में भी नहीं होना चाहिए जहाँ ज़रूरत हो जिस तरह की गाली की ज़रूरत हो जो उस परिवेश को सूट करता है उस हिसाब से रखना चाहिए हम लोग फैमिली मैन में बहुत तवज्जो देते हैं और ऑफ आसेपुर में ऐसा नहीं कि सब लोग जो है जहाँ मन करे वहीं पे गाली दिए जा रहे हैं ऐसा नहीं था फिल्टर भी होता है बहुत सारा बातचीत भी होती है कि रखें कि नहीं रखें वो बहुत ज़रूरी है अच्छा कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जैसे रितेश देशमुख है ना वो बहुत साफ बोलते हैं कि जब से उनके बच्चे हुए हैं तब से उन्होंने कैरेक्टर्स का चयन बहुत अलग कर दिया है कि अब वो ऐसी फिल्में बनाते हैं जो अपने बच्चों या फैमिली के साथ देख सकें आपका कुछ ऐसा पैमाना है आपकी या जिन फिल्मों में गालियाँ हैं उदाहरण के लिए वसेपुर या बाकी कुछ फिल्में वो आप परिवार के साथ या उनका फैमिली पे रिएक्शन उनका उन फिल्मों का फैमिली से क्या रिएक्शन आता है देखिए खैरितेश का नजरिया अलग है और अलग होना भी चाहिए लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे मेरा बच्चा वही चीज़ देखेगा जो मैं चाहूँगा है ना जहाँ तक मैं कंट्रोल कर सकता हूँ वो वो तो मैं ही करूँगा मैं एज ए पेरेंट पेरेंट से बड़ा सेंसर कौन है कोई नहीं जी लेकिन अगर कोई काम मेरे पास में आता है अब मैं अलग तरीके का अभिनेता हूँ बिल्कुल मैं, मैं मेरी दिशा अलग है डायरेक्शन अलग है मेरी तो मैं बच्ची को देखते हुए दिशा नहीं डिसाइड नहीं करता हूँ लेकिन मेरी बच्ची ने तीन बार बंदा देखी है और उसको मेरा मेरा सबसे बढ़िया काम बंदा लगती है जोरम देखते हुए डिस्टर्ब हो गई थी तो उसने दस बीस मिनट के बाद बंद कर दिया था गुलमोहर उसको अच्छी लगी लेकिन गुलमोहर देखने बाद रोई भी बिकॉज शमिला जी जिसका एक्टर रिमाइंडेड रिमाइंडर डर ऑफ हर नानी हो पास्ट वे यू नो सो बट बच्चे अपने ही तरीके से चीज़ों को लेते हैं अपने तरीके से चीज़ों को पसंद करते हैं मुझे लगता है बंदा अगर उसने तीन बार देखा है दैट मीन्स कि नॉट ओनली दी लव द स्टोरी एन द फिल्म बट वॉट शी लव्ड इज़ दैट कि उसको वट आई लव अबाउट इट कि तीन बार देखा वो अवेयर हुई है कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्राम योर फ्राम फ्राम एनी काइंड ऑफ पॉसिबल सेक्शुअल असॉल्ट आपने बताया कि अवा की फेवरेट फिल्म अब आ, सिर्फ एक बंदा काफ़ी है तीन बार देखा हाँ. आपने मम्मी का आ, आपकी जो माँ है उनका भी जिक्र किया अवा की नानी उनके गुजरने के बाद चीज़ें कुछ बतली बिकॉज आई हैव मिस्ड आउट ऑन बीग विद यू नो माई टाइम विद बिकॉज मैं हॉस्टल में रहता था फिर मैं दिल्ली चला गया फिर मैं uh, मुंबई आ गया तो मैंने अपने माँ बाप के साथ ज़्यादा समय गुजारा नहीं है तो इसीलिए उनके जाने का बहुत दुख हुआ कि मैं ज़्यादा समय नहीं बिता पाया उनके साथ में आपकी व्हाट्सएप डीपी भी अभी तक आपकी मम्मी की जी जी मेरे भा, सारे भाई बहनों की डीपी मेरी माँ और मेरे पिताजी की है जी सारे भाई बहन छः भाई बहन हैं बट वी वेरी अदरवाइज वेरी क्लोज टू आर पेरेंट्स चाहे हम उनके साथ मैं था या नहीं था हम लोग सब लोग बहुत क्लोज थे अपने पेरेंट्स के अपन बहुत चुनिंदा एक्टर्स में से हैं जो तारीफ दिल खोल के करते हैं है जबरदस्त है। जब तो एक फैन मोमेंट होता है ना वो एक्टर हैं बट आपको बहुत आइडलाइज भी करते हैं उनके लिए बहुत एक्साइटिंग हो गया था वो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे आपको कभी ऐसे कोई कॉल आए हैं रैंडम आपका काम देख के नहीं देखिए बहुत सारे आते रहे मैं सत्या के बाद आए चाहे वो अमित जी से बात हो या फिर ऋषि ऋषि कपूर जी का शूल देखने के बाद आया था अमरीश पूरी जी हमेशा कोई काम पसंद आता था तो करते थे डैनी सर आ, तो लोगों के फोन डेविड धवन ये सब लोग जो हैं काफ़ी पहले लोग काफ़ी दिल खोल के तारीफ़ किया करते थे आजकल बड़े कंजर्वेटिव हो गए हैं तो कंजूस हो गए हैं तारीफ़ वारीफ करने में किसी की वो सोशल मीडिया पे जो स्टेटस सा लग जाता है वो लगता है फेक है कि हकीकत में कर रहे हैं मतलब हकीकत में अगर कुछ पसंद आएगा तो शायद फ़ोन आ सकता है हाँ फ़ोन फ़ोन करके आप बोल दीजिए वो बहुत ज़रूरी है आ, सोशल मीडिया पे तो लोगों के लिए होता है है कि नहीं अगर आप किसी को जानते हैं या नहीं भी जानती इंडस्ट्री में तो आई थिंक वन कॉल विल इनक्रेज द अच्छा इंस्टाग्राम का अगर मैं जिक्र करूं

उन सब के में नंबर मुझसे कई कई गुना ज़्यादा है बट डाट डजन से एनी थिंग नहीं खटकता नहीं है क्योंकि मैं भी तो उस पर फोकस नहीं करता हूँ और लोग कहते हैं कि उस पर फोकस करो उसके ट्रैक्शन बढ़वाओ तो बहुत सारे लोग इस पर पूरा दिन लगाते हैं मैं नहीं करता हूँ मैं नहीं करूँगा तो नहीं बढ़ेंगे है ना को लोग कहते हैं ट्विटर एक्सपे जा कर के आप जो है क्यू एन ए करो है ना फैंस के साथ में करो मैं नहीं करता हूँ तो मैं जब नहीं करूँगा तो नहीं बढ़ेंगे भाई। अगर क्योंकि उसका एल्गोरिथम ऐसे ही बढ़ता है ऐसे ही है तो अभी उसमें आ, मुझे बुरा नहीं लगता इस बात का मेरे लिए इतना काफ़ी है मैं उसी के थ्रू जो है और वायरल हो जाते हैं कितनी सारी चीज़ें मेरी तो इसका मतलब कि दैट्स इनफ यू नो टू 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 स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट योर वर्क मैं उन चुनिंदा लोगों में शामिल हूँ जो द फैमिली मैन के अगले सीजन का बेसब्री से इंतजार जी. कर रहे थे फाइनली शूट शुरू हो गया है

बिकॉज फॉर देर व्लैगशिप प्रोजेक्ट और सबसे टॉप परफॉर्मर पोफर्म, प्रोजेक्ट है वो तो वो भी उसके साथ उस, उसी केयरफुली उसके साथ यू नो ऑपरेट करते हैं विच इज़ गुड लेकिन अभी अभी ज़रूरी इस बात की कि हम लोग पूरे शिद्दत के साथ ईमानदारी के साथ तीसरे सीजन को इस साल के एंड तक उसको कम्प्लीट करें अच्छा बिना स्पॉयलर दिए अगर आप कुछ बता सकें इस बार सीजन में क्या कुछ ना नो एक्चुअली हम लोग को बिल्कुल आ, बहुत सख्त होता है इनका कॉन्ट्रैक्ट एंड ये अमेरिकन जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट में बहुत बिलीव करते हैं तो <laughs> अब मुझे जो है ना मुझे <laughs>

Uh, मेरी कन्नू बहल की फिल्म आ रही है डिस्पैच जो तैयार हो चुकी बहुत पहले से तैयार है कुछ एक फेस्टिवल ये वो करके अब यहाँ पे रिलीज़ करेंगे हम लोग ओ पे फिर उसके बाद फेबल आएगी जो कि बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में थी तो फेबल भी जो है उसका प्लानिंग कर रहे हैं वो लोग कि कैसे क्या करेंगे जी दो फिल्में तैयार हैं इसके बाद फिर उसके बाद इस, इसी साल के एंड तक में मुझे तीन फिल्म शूट करनी है मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ तीन फिल्मों की शूटिंग जनवरी तक में और फिर एक और फिल्म की शूटिंग डेढ़ मही दो महीने के बाद एंड उसके बाद थोड़ा ब्रेक ले लूँगा फैमिली टाइम हाँ थोड़ा थोड़ा बड़ा ब्रेक लूँगा थोड़ा गांव वगैरह जाना ये वो करना थोड़ा टाइम देना भागती दौड़ती मुंबई में गांव मिस करते हो गांव ही मिस करता हूँ और कुछ नहीं मिस करता हूँ गांव और अपने माँ बाप को बहुत मिस करता हूँ मैं जी वक्त का तकाजा है तो फिलहाल इतना ही फ्लाइट का तकाजा है फ्लाइट होने <laughs> फ्लाइट का टाइम हो चुका है <laughs> सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू अविनाश थैंक यू वेरी मच थैंक यू इट वाज लवली टॉकिंग टू यू प्लीज स्प्रेड द वर्ड स्प्रेड द वर्ड अराउंड भैया जी थैंक यू सर आई दिस इज मनोज बाजपेई एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड बबल